हेलो दोस्तों, टेक्निकल आर्मी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम BMW 745 LE कार का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐड ऑन का फोल्डर आएगा, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर ओपन करने के बाद मॉड्स में जाइए, उसके बाद अपडेट XCC4 DLC पैक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ 745 LE का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उसको GTFI DLC पैक्स पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ रीडमी का टेस्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आइटम DL पैक 745 LE आइटम दिख रहा है ना, उसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपन AV को ओपन कीजिए। ओपन AV ओपन होने के बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए, यस। उसके बाद मॉड्स में जाइए, उसके बाद अपडेट RPF कॉमन डाटा, उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का टेक्स्ट दिख रहा है ना, उसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी किया हुआ है तो इसको पेस्ट कीजिए, उसके बाद सेव कीजिए। बस दोस्तों, इतना ही आपको करने का। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन सा भी ट्रेनर यूज़ कर सकते हो, यहाँ आपको मैनुअली टाइप करना होगा। आपको टाइप करना होगा 745 LE, एंटर कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कार आ चुकी है। मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूं। मैं आपको इसका नाइट का लुक भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।